पापा परियों की कहानी सुनाने में बहुत अच्छे हैं। वो हमारे लिए इतिहासिक ग्रीक भगवान हैं और हम उनके छोटे असिस्टेंट्स। ये बाथरूम फीका है, हमें इसमें कुछ रंग भरने होंगे। मेरे पास पहले से बाथरूम पेंट्स है। शेविंग फोम को निकाली, इसमें कुछ गुआश मिलाए, फोम के अलग अलग रंगों को कपकेक के सांचे में रखें। चलो दीवारों को रंगे, ये ऐसे ज्यादा बेहतर लग रहा है। पापा मेरी फोटो देखो। अरे मैंने अब देखा, जवान कलाकार, तुम्हें शेविंग फोम पसंद है। बैठो यहाँ, हम साथ में शेविंग करेंगे। पापा सच में शेविंग कर रहे हैं और बच्चे की फोम वाली दाढ़ी है, ये तुम पर सच में अच्छी लग रही है। चलो ऐसा दिखाए कि हम तुम्हारी फोम की मोटी दाढ़ी साफ कर रहे हैं। इस तरह जवानी में स्वागत है मेरे बच्चे। साथ में खाना बनाना हमेशा मजेदार है। माँ और बेटी का ये रोज का काम है। मिलते जुलते प्यारे एप्रन और हेड बैंड। क्या तुम तैयार हो मेरी छोटी शेफ? चलो फिर कपकेक्स बनाना शुरू करें। साथ में कुकिंग करना मुश्किल नहीं होता। अपने बच्चे को आसान टास्क दिए, जैसे कि बैटर को मिलाना। अब हम हमारे कपकेक को ओवन में बनने का इंतजार करेंगे। हम उसे देख रहे हैं। कितनी बढ़िया खुशबू है। कपकेक्स तैयार है। अब इसका सबसे मजेदार हिस्सा आया। बेबी तुम इसे अब व्हिप क्रीम से सजा सकती हो। ये बहुत आसान और मजेदार है। मैं एक स्वादिष्ट कपकेक खाने का इंतजार नहीं कर सकती। एक मिनट रुको, चलो इसमें मीठी सजावट जोड़ें। ये काम तुम्हारे लिए है बच्चे। और अब इसे गुलाबी मार्शमेलो के साथ खत्म करते हैं। ये हमारे परिवार के लिए कपकेक्स बन गए। माँ घर से काम करती है, लेकिन उसका बेटा सोचता है कि ये अच्छा मौका है उनके साथ खेलने का। काम क्यों करना जब तुम सिर्फ बटन दबाकर मजे कर सकते हो। माँ देखो, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। और माँ के टॉप पर बनी ये चेन ऊपर नीचे करने के लिए बनी है। लड़का अपने कमरे में अपने खिलौनों के साथ नहीं खेलना चाहता। माँ चलो डे नाइट खेलते हैं। बेटा बटन को और अपनी माँ को तंग करना बंद करो। मेरे पास अच्छा आइडिया है, एक रोमांचक व्यस्त बोर्ड। पेपर टॉवल ट्यूब को लंबाई में काटे, एक टुकड़े को आधा काटे, इसे एक्रिलिक पेंट से रंगे, होम पेपर से स्नीकर के दो टुकड़े बनाए, फाइबर बोर्ड पर ट्यूब के टुकड़े लगाए, होम पेपर के स्नीकर, अबाकस, जिपर और स्विच पर भी ग्लू लगाए, वेलक्रो के टुकड़े की एक तरफ ग्लू लगाकर फूल पर लगाए और दूसरी तरफ बोर्ड पर, फूल को बोर्ड पर लगाए और उस पर नंबर लिखे। कुछ फूलों को बोर्ड के चारों तरफ लगाएं। बेटा ये रहा तुम्हारा खुद का बिजी बोर्ड, तुम जितना चाहो उतना बटन से खेलो और चेन को ऊपर नीचे करो, ये सारा तुम्हारा है। शुक्रिया माँ, आप किसी भी फूल से बेहतर है। आखिरकार एकता और शांति। माँ और उसका बच्चा दोनों व्यस्त है जरूरी चीजें करने में। जब घर में एक छोटा बच्चा हो तो पानी के ग्लास में कुछ भी हो सकता है। एक पिंग पोंग बॉल, सच में ये यहाँ क्यों है? हालांकि इससे मुझे कुछ मजेदार सुझाव आया। पहला आइडिया, अपने आगे कप रखें और मैं इसमें गेंद फेंकूंगी। बच्चों को कप से सारी बॉल को ढकना होगा और कोई रह ना जाए। बहुत बढ़िया, तुमने अच्छा किया। एक और, बॉल को कप से पकड़ें। ये थोड़ा मुश्किल है, बच्चे को कप में बॉल फेंकना है और माँ उसे पकड़ेगी। ये आदमी हमेशा अंदर से बच्चे होते हैं। ये पापा कल्पना कर रहे हैं कि वो विकिंग है जो दुश्मनों को नाव पर हमला कर रहे हैं। एक तरफ से स्क्वायर प्लास्टिक बोतल का एक हिस्सा काटें, किनारों को सजावटी टेप से ढकें
एक फोम पेपर को स्टिक पर लगाए जिससे वो मास्ट पर लगी हुई सेल की तरह लगे। बोतल के जहाज पर सेल चिपकाए, टेप पेन को डंडी पर चिपकाए और त्रिकोण काट ले। हाँ, सरेंडर। पापा, आप बहुत मजाकिया हो। मैं माँ को दिखाने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे जहाज पर चढ़ूंगा, मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। माँ देखो, पापा अभी खिलौने से खेलते हैं। वो बहुत मजाकिया है। हे, सब हंस क्यों रहे हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं, हमारे बहादुर विकिंग। माँ की अपनी ही मेडिटेशन है। आरामदायक गाने चलाना, कुकीज को ग्लेज से रंगना। लेकिन बच्चों को ये बोरिंग लगता है। जब तुम सारी कुकीज खा सकते हो तो एक जगह पर लंबे समय तक क्यों बैठना? माँ, मैं एक और ले रही हूँ। रुको, चलो साथ में कुकीज को सजाएं। एक साधारण पैटर्न प्रिंट निकालें, उसके ऊपर पार्चमेंट पेपर रखें और अपने बच्चे को पिघली हुई चॉकलेट ग्लेज दें। जिपलॉक बैग में जो कोने से कटी हुई हो। हमारी कुकीज कला क्लास अब शुरू होगी। माँ, इस सुंदर बी को देखो। हर कोई इसके मजे ले रहा है, माँ और उसकी बच्ची दोनों। बच्ची तस्वीर में लाइन पर चॉकलेट के निशान में मेहनत कर रही है। बच्चे हर चीज को खेल की तरह देखते हैं। पापा की बाजू फर्श पर एक रहस्यमय परछाई बना रही है। वो मुझे इसे ट्रेस करना चाहिए। नहीं, चलो इसके बजाय कुछ मजेदार बनाए। अपना मनपसंद खिलौना पेपर पर रखें और उसकी परछाई ट्रेस करें। यह रहस्यमय जानवर है। सबसे जरूरी बात यह है कि इससे फर्श को कोई नुकसान नहीं हुआ। सभी सुपर हीरो बनना चाहते हैं। स्पाइडरमैन बहुत तेजी से एक से दूसरे रूम में चला जाता है, तुम उसे नहीं पकड़ सकते। और ये है नेडर सुपर गर्ल। ये ध्यान रखती है कि घर हमेशा साफ रहे। स्पाइडरमैन एक प्रो की तरह जाली बनाता है। मास्किंग टेप स्पाइडरमैन के जाले को आसानी से बदल सकती है। और यहाँ है सुपर गर्ल। ये स्पाइडरमैन के जाले में से आसानी से उड़ सकती है। वो काफी सालों से उड़ने की ट्रेनिंग ले रही है। पापा को डांट खेलना पसंद है। yes! अच्छा, मैं चैंपियन हूँ। और बेटा अपने पापा की तरह बनना चाहता है। पापा, मुझे डांट फेंकना सिखाओ। नुकीला डांट तुम्हारी उम्र वालों के लिए हानिकारक है, लेकिन मैं एक सुरक्षित खेल जानता हूँ। फ्रिज पर निशाना बनाए और उस पर मैग्नेट फेंके। देखो, हमारे सुरक्षित मैग्नेट डांट। बहुत बढ़िया बेटा, तुमने ये कर दिखाया। तुम मेरी चैंपियन हो। खिलौने जल्दी करो, अपनी जगह पहली लाइन में ले लो और फोन को बंद करो, क्योंकि हम हमारा खेल शुरू कर रहे हैं। स्टेज तैयार है। बड़े कार्डबोर्ड के डिब्बे में से एक पट्टी काटी, बीच में रेक्टेंगल बनाए और उसे यूटिलिटी नाइफ से बाहर निकाल ले। सजावट के पेपर से कार्डबोर्ड ढके, फैब्रिक के टुकड़े से दो रेक्टेंगल काटे, ऊपर से सिले और फैब्रिक इकट्ठा करें। पर्दों को स्टेज पर लगाएं और रिबन से बांधें। गुड़िया कलाकार स्टेज पर आए। हमारा घर का थिएटर आपको सच की कॉमेडी और हाथ से दिखाएगा। आज हम दो बार्बी बहनों की कहानी बता रहे हैं, जो जन्म के बाद अलग हो गई थी, मगर वो 20 साल बाद मिली। ये छू जाने वाला है। दर्शकों को ये पसंद आया। तुम सबसे अच्छी डॉल डायरेक्टर हो। यहाँ ध्यान देने के लिए सबका शुक्रिया। हमें अच्छा लगेगा अगर आप कल फिर से हमारे घर के थिएटर में आएंगे। क्या आपको हमारे बच्चों के घर पर खेलने वाले खेल पसंद आए? कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सा खेल खेलना पसंद करेंगे। क्या आप एक घर में थिएटर बनाएंगे, फोम से बाथरूम में पेंट करेंगे या सुपर हीरोज में बदलना चाहेंगे? और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आप ट्रूम ट्रूम पर मजेदार खेल मिस ना करें।